सर को लगा उनके लिए आई है केकड़े के दांत फर्मेंटेड होता है। ओ वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ द गई फैमिली। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको सब कुछ दिखाया जहाँ हम लोग पूरी प्रेपरेशन कर रहे थे गोवा आने की और बिल्कुल होटल के बाहर मैंने व्लॉग एंड किया। तो आज का व्लॉग होटल में घुसते ही स्टार्ट हो रहा है। आगे आने वाले सारे व्लॉग्स गोवा के होने वाले हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाले हैं। सो मतलब मिस नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि सारी मजे मस्तियाँ आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आज के व्लॉग में डे वन हमारा स्टार्ट हो चुका है गोवा में, जहाँ हम लोग बस अभी आए हैं और पहुँच गए हैं होटल। कियान बहुत स्लीपी है, निन्नी 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 हो रही है। और ये हमारा होटल है, मैं दिखाती हूँ, कासा अहाना इन गोवा। सो दिस इज प्रॉपर्टी, इजंट इट ब्यूटीफुल, एंड द बेस्ट एरिया इज हियर, द पूल। ये रहा पूल। वेलकम ड्रिंक, चीयर्स करेंगे सारे। देख रहे जवानी चढ़ रही है, मम्मी को धीरे धीरे कह रही है बड़ी जरूरत थी। क्या हुआ उसको? वेलकम ड्रिंक, चीयर्स। सो दिस इज द रूम एंड एवरी रूम इज सिमिलर, तीनों रूम ऐसे ही मिले हैं हमें। दिस इज द रूम, अ वार्डरोब, अ फ्रिज। दिस इज मी फॉर डे वन। दिस इज द वॉशरूम। एज वी सेड, हमें आते ही क्या करना है, ये करना है, हम यही करने आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। स्विमिंग से हम आ गए हैं वापस और हमने दोबारा से वही कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि बूफे का टाइम हो जाएगा खत्म एंड बूफे तो जरूरी है। इसके बाद हम आके डिसाइड करेंगे हम कहाँ जा रहे हैं और हम क्या कपड़े पहन रहे हैं। सो अभी फिलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। यार हम लोग यहाँ क्यों पड़े हुए हैं, द रीजन इज कि हम लोग यहाँ पे 12 बजे आने वाले थे और 12 बजे रूम अलॉट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहुँच गए यही कोई 9:30 बजे। तो तब तक एक ही रूम हमें मिला, जिसमें अभी फ़िलहाल आशू सर, अदा और कियान तीनों जाके सो रहे हैं। तो हम सारे यहाँ पड़े हुए हैं, ये लोग सो रहे हैं, सर अभी उठ गए हैं और मैं नहीं सो सकती ऐसे, तो मैं नहीं सोई हूँ। हम रूम का वेट कर रहे हैं कि अब हमें रूम मिलेगा तब हम रूम में जाएंगे। मालिक को पहुँचा दिया ऊपर, बच्चों को पहुँचा दिया ऊपर। देखो आंखें देखो, नियत में खोट साफ नजर आता है। ये तीन रूम होते हुए भी गाइस फाइनली हमें रूम्स मिल गए हैं। मैं दो रूम्स तो इसी फ्लोर पे हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, सेम से है, मैं एक ही रूम दिखाती हूँ। सो दिस इज द रूम एंड एवरी रूम इज सिमिलर, तीनों रूम ऐसे ही मिले हैं हमें। दिस इज द रूम और ये रहेगा लॉबी एरिया पूरा, एंड इसी में सेकेंड रूम है जो अभी मेज्ड अप हो रखा है, और एक रूम हमें नीचे मिला है। तो अब हम लेंगे स्कूटीज। यस, आज के लिए हम लोग स्कूटी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि गोवा की सड़कों पे स्कूटी चलाने का मजा ही कुछ और है, और आज स्कूटी तुम्हारी बहन चलाएगी। स्कूटी तू ले ली सर, वो तो एक्साइटेड हो गए थे। मेरे साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है यार, नई चप्पल पहनते ही ना छाले हो जाते हैं। ब्रांडेड लेनी चाहिए यार। पापा के साथ मैंने ले ली। यू विल ड्राइव द रेड वाली मेरी, वो वाली आशु, वो वाली शान सर, ऑल सेट। ओके सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉप एंड दिस इज वैगाटॉर बीच। ये जब हम लास्ट टाइम आए थे हमारा लास्ट स्टॉप था, और इस बार के ट्रिप में हमारा फर्स्ट स्टॉप है। तो वी हैव डिसाइडेड कि आज हम थोड़ा सा शांत, मतलब कोई वाटर स्पोर्ट्स नहीं करने वाले हैं, बस बच्चों को बीच दिखाने वाले हैं कि एक्चुअली में बीच होते क्या है। मतलब यहाँ मैंने बहुत फोटोज खिंचवाई हुई है,
आई शुड हैव वोर द सेम जंपसूट यार, मैं लाई भी हुई थी यार वो, मेरे को वही पहन के आना चाहिए था. सो दिस इज वैगाटोर बीच. क्या ही करेगा क्रैब आपको? इन्होंने सारी अपना बम गीला कर लिया है. मम्मी गई है बच्चों को आइसक्रीम खिलाने और हम कोशिश कर रहे हैं उस पहाड़ पे जाने की, लेकिन मेरे पैर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है. फिर भी हम कोशिश करते रहेंगे क्योंकि हम कोशिश करते रहेंगे. सारा रास्ता दिखाया है और मेरे को किसी ने फुटेज तक नहीं दी. थैंक यू सर. तो भाभी की बैंगल रह गई थी, she came back to return that. वो भी इतनी मुश्किल रहा से. Yes. ऊपर 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 चढ़ना उतरना आसान नहीं है. गोवा के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं. So we all are having ice cream now. तो यार मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है कि मैं इस जगह पे कियान की चप्पल लाना भूल गई हूँ और वो शूज में आया था और शूज इतने डर्टी हो चुके हैं एंड यहाँ पे थोड़ा वो बॉटल्स वगैरह का आई गेस कांच है. तो वी हैव अ ट्रिक. जिम जाने का ये फायदा है यार, यहाँ पे तो लोग नहा भी रहे हैं यार, मेरे को तो डर डर लग रहा है इनको देख के. सो हियर वी आर फॉर द लंच. भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है, मतलब हालत खस्ता हो चुकी है. खस्ता वेज थाली, नॉन वेज, केकड़े के दांत. इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? अभी तो कहते कोकम बड़ा अच्छा है. सुंगो सुंगो सुंगो, सबको कह रहे थे सुंगो. क्या ये कोकम? ये फर्मेंटेड होता है. एक्चुअली वी ट्राइड गोवा का प्रॉपर देसी फूड. वी ट्राइड लाइक अजीब सी दाल, अजीब सा खाना. कोकम ट्राई करने लगे आफ्टर फूड पिया जाता है. प्रोबायोटिक्स भी शायद इसके अंदर होते हैं, बाकी पता नहीं. फर्मेंटेड चीज होती है कोई. मूली के पत्ते यदि घुसवा लास्ट में प्याज का वो नहीं बच जाता पानी बनाते हैं. अच्छा ना लगा कुछ भी कहते हैं यार, कुछ भी कहते हैं सच में. Nice. आशीष सर ट्राई करेंगे कोकम, जो हमने सोचा था वैसा नहीं है ना ये. चप्पल ले ली है मैंने, नहीं चप्पल ले ली है और ये मेरी पहन के घूम रहा है. कैसा लगा खाना? बट यस इट वॉज अ गुड गोवा फूड. तो गाइस ये वाले व्लॉग की एंडिंग करनी मैं भूल गई थी, तो यही पे ये वाला व्लॉग होता है एंड. नेक्स्ट व्लॉग में हम इसी के बाद जा रहे हैं अंजुना बीच, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट. प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं क्योंकि शाउट आउट मिलता है अच्छे अच्छे कमेंट्स को, साथ ही साथ लाइक करना है व्लॉग को एंड ऑफकोर्स अगर आप पहली बार मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करना है. थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.